हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके संग शेयर करने वाली हूँ एक डिफरेंट ब्रेकफास्ट रेसिपी जो कि है 3 फ्लेवर्ड पराठा। ये कौन से 3 फ्लेवर्स हैं ये मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी, तो मेरे साथ ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। और इस पराठे को बनाएंगे हम एक डिफरेंट स्टाइल में, तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो और बनाते हैं 3 फ्लेवर्ड पराठा फॉर योर मॉर्निंग ब्रेकफास्ट। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें न्यू वीडियो नोटिफिकेशन के लिए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो एक बाउल में हम यहां लेंगे सबसे पहले 1 कप जितना गेहूं का आटा, और इसके अंदर अब हम डालेंगे 1/2 चम्मच जितना नमक। आप नमक अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। और अब हम डालेंगे इसमें 2 चम्मच जितना तेल। ये तेल हम इसलिए डाल रहे हैं ताकि हमारे जो पराठे हैं वो एकदम खस्ता तैयार हों। इनको पहले हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे तेल और नमक को, ताकि एक जगह गुठली ना बने, वो अच्छे से पूरे आटे में मिक्स हो जाए। और अब धीरे धीरे करके हमें पानी डाल के इसका आटा गूंद लेना है। ध्यान रखिए, हमने तेल इसलिए डाला है क्योंकि हमें बनाने हैं यहाँ पे पराठा। अगर आप रोटी का आटा गूंद रहे हैं तो इसमें तेल की ज़रूरत नहीं है। हमें एकदम खस्ता पराठे रेडी करने हैं, इसलिए इसमें 2 चम्मच जितना तेल डाला है। अब जब भी आटा गूंदे, पानी हमेशा धीरे धीरे करके डालिए, तो आपका आटा एकदम अच्छे से और सॉफ्ट तैयार होगा। इसमें 2 बूंद जितनी तेल अच्छे से डाल के मैं इसे रेस्ट होने दूंगी अराउंड 10-15 मिनट्स के लिए, ताकि हमारा आटा अच्छे से बन जाए और फर्मेंट हो जाए। अब हम लेंगे यहाँ पे 4 बॉइल्ड पोटैटोज़। इनको हम कर देंगे कद्दूकस। आप चाहें तो हाथ से भी मैश कर सकते हैं, लेकिन हाथ से मैश करने में आलू में कुछ कुछ गुठलियाँ रह जाती हैं और हमारे पराठे जो हैं उनके फटने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए हम अच्छे से इसे कद्दूकस कर लेंगे। और कद्दूकस करने का दूसरा रीज़न भी है, अगर बाई चांस आपके आलू थोड़े बहुत कड़क रह गए हों तो वो भी अच्छे से कद्दूकस में मैश हो जाते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे अपने 4 बॉइल्ड पोटैटोज़ को अच्छे से मैश कर दिया है। और अब हम डालेंगे इसमें 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1/2 चम्मच जितना गरम मसाला। तो अब हम डालेंगे इसमें चुटकी भर जितनी हींग। हींग का टेस्ट आलू के पराठों में बहुत अच्छा आता है, तो इसे ज़रूर डालिएगा। इसमें अब हम डालेंगे 1/2 चम्मच जितना लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 चम्मच जितना जीरा, और नमक स्वाद अनुसार। नमक हिसाब से डालिएगा क्योंकि आपने आटे में भी यूज़ किया है, तो उसके हिसाब से एडजस्ट करिएगा। इन सारे मसालों को हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये जो मैंने सारे मसालों की क्वांटिटी ली है, मैंने 4 आलू के हिसाब से ली है, और इससे हमारे बनेंगे 2 पराठे। अगर आपको ज़्यादा पराठे बनाने हैं तो हर चीज़ की क्वांटिटी उस हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। अब इन मसालों को, अभी जो हमने मसाला रेडी किया है, इसको मैं 3 में डिवाइड कर दूंगी, जिसमें हम पहले पोर्शन में सबसे ज़्यादा आलू का मसाला भरेंगे और बाकी 2 में कम क्वांटिटी का मसाला भरेंगे। क्यों, वो मैं आपको बताती हूँ बाद में। देखिए, मैंने इसको 3 में डिवाइड कर दिया है। 1 को हम कर देंगे अलग, जो सबसे ज़्यादा आलू का मसाला है उसको। यहाँ पर 1 में मुझे ज़्यादा लग रहा है तो मैं थोड़ा कम कर देती हूँ। अब हमारे जो 2 आलू के पोर्शंस हैं, उसमें पहले पोर्शन में मैं डालूंगी कटी हुई मेथी। यस, ये एकदम फ्रेश कटी हुई मेथी है। आप चाहें तो इसके अंदर पालक भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पालक थोड़ा सा पानी छोड़ता है तो वो अच्छे से उसकी बाइंडिंग नहीं हो पाएगी। तो आप हो सके तो इसमें मेथी का ही यूज़ करिएगा, उसका टेस्ट और फ्लेवर दोनों बहुत अच्छे आएंगे। और दूसरे में हम डालेंगे यहाँ पर कद्दूकस करी हुई गाजर। आप अपनी पसंद के कोई भी फ्लेवर्स ले सकते हैं। आप चाहें तो मटर ले सकते हैं, गाजर ले सकते हैं, मूली ले सकते हैं। यहाँ पे मैं मेथी, आलू और गाजर का फ्लेवर पराठा बनाऊंगी। अब जो हमने आलू और गाजर लिया है, उसे एक बार अच्छे से मैश कर लेंगे और अलग कटोरी में रख लेंगे। आलू इसलिए लिया गया है ताकि गाजर और मेथी को अच्छे से बाइंडिंग मिल जाए। खाली गाजर और मेथी डालेंगे तो वो फैली फैली सी रहेगी, अच्छे से बाइंड नहीं होगी। इसे थोड़ा सा आलू डाल के हम इसे अच्छे से बाइंड कर लेंगे। तो बस जैसे हमने गाजर को मिक्स किया, इसी तरीके से मेथी को मिक्स करके हम अलग कर लेंगे। यहाँ आटे को भी मेरे को 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और ये अच्छे से सॉफ्ट भी हो गया है, तो इसे थोड़ी देर के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए हम नीड करके इसको मैं 4 में डिवाइड कर लूँगी। मैंने इक्वल पोर्शन में इसे डिवाइड कर लिया है। अब 1 लोई को लेके हम इसे रोल कर लेंगे।
बहुत पतला रोल मत करिएगा, पराठे की जो विथ होती है थोड़ी सी मोटी उतना रखिएगा, क्योंकि पतले हो पराठे तो अच्छा नहीं लगता, अगर मोटे हों और खस्ता हो तो वो टेस्ट में ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अब एक इक्वल साइज़ की कोई भी कटोरी या फिर आप प्लेट लेके इसे कट कर लीजिए, ताकि हमें एक इक्वल और सिमेट्रिक शेप का हमें पराठा तैयार मिले। इससे हमें परफेक्ट एजेस मिल जाएंगे, टेढ़े मेढ़े नहीं होंगे। ये देखिए मैंने अपनी फर्स्ट रोटी रेडी कर ली और ये काफ़ी थिक रखी है मैंने। इसी स्टाइल से मैं अपनी चारों रोटियों को रेडी कर लूँगी। यहाँ पे चारों रोटियाँ मेरी रेडी हो गई हैं। तो बस हम अपनी पहली रोटी लेंगे और इसके बीच में मैं डालूंगी सबसे पहले आलू का मसाला। साइड्स में इसको थोड़ा सा एम्प्टी रखिएगा, क्योंकि हमें दूसरी रोटी रख के इसे सील भी करना है, तो जो साइड्स के पोर्शंस हैं इसे एम्प्टी रखिएगा, सिर्फ बीच में ही फिलिंग रखिएगा। उसके साइड में मैं डालूंगी यहाँ पे मेथी और आलू का मसाला। आलू तो सिर्फ बाइंडिंग को है, बाकी तो पूरी मेथी का मसाला ही है, मतलब आपको टेस्ट मेथी का ही मिलेगा। और थर्ड मैं डालूंगी गाजर की स्टफिंग। आप देख रहे हैं ना, मैंने साइड्स को छोड़ के रखा है क्योंकि हमें इसे सील करना है दूसरी रोटी से। तो ये अच्छे से मैंने इसकी फिलिंग भर दी है और अब हम रखेंगे इसके ऊपर दूसरी रोटी। दूसरी रोटी रखने के बाद साइड्स को हल्के से दबाकर हम जो हमारा फॉक होता है कांटा, उससे हम इसे सील कर देंगे, ताकि जो हमारी स्टफिंग है सेकने के टाइम पे बाहर ना निकले। ये देखिए पूरी अच्छे तरीके सील हो गई और बीच में कर देंगे थोड़े से छेद, ताकि जब हम इसे पकाएं तो ये अंदर भी थोड़ा तेल जाए और अच्छे से पके। बस इसी स्टाइल से हम फटाफट अपनी दूसरी रोटी को भी तैयार कर लेते हैं। ये जो 3 फ्लेवर पराठा है, इसको घर पे ज़रूर ट्राई करिए, ये बहुत टेस्टी लगता है, बिलीव मी। और इसमें जब आपको 3 फ्लेवर्स एक साथ खाने को मिलते हैं ना सुबह सुबह, तो बहुत अच्छा लगता है। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए और आपका एक्सपीरियंस मेरे संग ज़रूर शेयर करिएगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने अपने दोनों पराठों को रेडी कर लिया है। तवा गरम है, इस पर हम थोड़ा सा ऑयल ब्रश करके हम अपने पराठे को धीरे धीरे मीडियम आंच पे सेकिएगा। ऊपर साइड से थोड़ा सा तेल और लगा के हम इसे फ्लिप करके सेकेंड साइड से भी सेक लेंगे। और जिस साइड से हमने सील किया है वहाँ थोड़ा दबा दबा के आपको सेकना पड़ेगा, क्योंकि वो लेयर थोड़ी सी दबी हुई है तो उसे थोड़ा टाइम लगेगा। यहाँ पे मैंने अपने दोनों पराठे फटाफट रेडी कर लिए हैं। मैं आपको देख कट करके दिखाऊंगी कि इसमें कितने अच्छे तरीके से हमने फिलिंग फिल की है। ये आपका मॉर्निंग ब्रेकफास्ट हो या शाम की चाय हो, आप डिनर में भी इसे ले सकते हैं। आपके कोई रिलेटिव आ रहे हैं उनको भी आप ट्राई कर सकते हैं। ये देखिए हमारा मेथी आलू और गाजर की स्टफिंग के साथ हमारा 3 फ्लेवर पराठा कितने सुंदर तरीके से तैयार हो गया है। जब आप इसे खाएंगे आपको 3 फ्लेवर्स एक साथ मिलेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो इन रेसिपी को ट्राई करिए, आपका एक्सपीरियंस और फीडबैक मेरे साथ कमेंट बॉक्स पे ज़रूर शेयर करिए। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय एंड एंजॉय द रेसिपी। थैंक यू।